यदि इस टाइम बात किया जाए कि आप किस चैनल को बनाकर जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, जल्दी से यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं, तो वह सिर्फ कहानी चैनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना अपना फेस दिखाना है ना आपको सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है, आपकी पहली वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो इसलिए इस चैनल को बेस्ट मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको फेस नहीं दिखाना है, जल्दी ग्रोथ मिलने वाली है। जहाँ पर आप सालों साल काम करके ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं यूट्यूब पर, और अगर इस चैनल को आप बनाते हैं, कहानी चैनल को बनाते हैं, तो आपको ग्रोथ मिलने लगती है। अब बस आपको समझना है किस तरीके से काम करना चाहिए, नई नई चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आपको महीने दो महीने में अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, शायद आपकी पेमेंट भी आ सकती है महीने दो महीने के अंदर। तो इस चैनल को मैं सबसे अच्छा कहता हूँ इसलिए हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैनल यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, इस चैनल का नाम है नेहा हिंदी कहानियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं अभी के टाइम 80 वीडियो अपलोड है, 80 वीडियो अपलोड करके 16,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इन्होंने गेन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.1 मिलियन, लगभग 40 लाख व्यूज इन्होंने एक महीने के अंदर लाया हुआ है, और अभी के टाइम इनकी जो वीडियो है सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। इस चैनल के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यह सभी से अलग काम कर रही हैं अभी के टाइम, और इनकी जो स्टोरी है वो भी अलग है, कहानी बनाने का तरीका भी अलग है, सब कुछ अलग है। और मैं अपनी हर वीडियो में ये भी बताता हूँ, अगर आपको जल्दी से ग्रो करना है तो आपको कुछ नया सोचना होगा, नया करना होगा, या ऐसा कुछ करना होगा जो सबसे ज़्यादा वायरल हो जाए। तो यहाँ पे ये सबसे अलग कर रही हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं YouTube पर जो आपको जल्दी से ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। इसलिए इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है जिससे आप भी अपने चैनल को जल्दी से ग्रो कर पाएँ। मैं यहाँ वहाँ की आपको चीज़ें नहीं बताता हूँ, जो रियल होती है वही चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से आपके चैनल पर व्यूज आएगा, जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने सुना होगा ऐसा कर दो वैसा कर दो, डिस्क्रिप्शन में ये लिख दो वो लिख दो, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताता, मैं जो रियल होता है जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो होता है। तो इसलिए चैनल को भी आप सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको साथ ही साथ मोटिवेट करने वाला हूँ कि कितनी जल्दी आप इस तरह का चैनल बनाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू दिखा रहा है इस चैनल के, $1,000 से लेकर $16,000 तक, मैं यहाँ पर 1,000 भी नहीं मानता हूँ, $500 मानता हूँ। $500 तो आप मान ही सकते हैं, 40,000 50,000 अर्निंग तो हो ही रही होगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.1 मिलियन व्यूज है, 40 लाख व्यूज है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। 40 लाख व्यूज सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं 30 दिन के अंदर, और यहाँ पे देख सकते हैं इतना कम वीडियो अपलोड कर, सिर्फ 80 वीडियो अपलोड करके इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, इतना ज़्यादा ग्रोथ है इस तरह के चैनल में। अगर ऐसा कोई चैनल आप बनाते हैं तो आपको भी ये ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको समझकर काम करना होगा। तो चलिए इनके चैनल पर चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इनके चैनल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर इनकी पॉपुलर वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1.1 मिलियन, 2 मंथ से यहाँ पे काम किया जा रहा है, उसके बाद इनकी फर्स्ट वीडियो ही चलना शुरू हो गई थी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनका जो वीडियो है अभी के टाइम चल रहा है, और लेटेस्ट में अगर इनकी वीडियोस पर व्यूज़ देखते हैं तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है, 21,000, 47,000, 64,000, 1,51,000, 2,23,000, 79,000, 3,66,000, तो इस तरह से इनके चैनल पर व्यूज आ रहे हैं अभी के टाइम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनका कंटेंट है, जो स्टोरी बनाने का तरीका है एकदम अलग है, थंबनेल भी अलग है, और जो तरीका स्क्रॉलिंग है वही है, लेकिन चीज़ों को अलग प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, यानी इनका कंटेंट ही अलग है, स्टोरी नहीं है। स्टोरी की तरह ये और कुछ बताती हैं, लोगों को ज्ञान देती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मोटिवेशनल जो कोट्स है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा व्यूज मिल रहा है अभी के टाइम अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं। मैं आपको यही नहीं कहता कि आपकी ऐसी वीडियो बनाइए, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके का आप काम करके ऐसा कुछ ढूंढिए, ऐसी कोई चीज़ निकालिए दिमाग से खोजकर जो YouTube पर बहुत कम अवेलेबल हो या वैसा चीज़ ना हो। आप ऐसा कुछ क्रिएट कर पाते हैं तो बेकार की भी वीडियो आपकी चलने लगती है, लेकिन अगर आप इनके जैसा भी कुछ सोच समझकर काम करेंगे, इनके तरीकों को समझेंगे, इनके तरीके को भी अप्लाई करेंगे, तो आपकी भी वीडियो भी चलने वाली है, यदि आपने अभी नया चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि अभी इस प्रकार की वीडियो बहुत कम लोग बना रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको समझना होगा क्यों इनकी वीडियो चल रही है इस टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको इसे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी वीडियो आप इनकी देखेंगे कुछ ऐसा टाइटल देखेंगे जो आपने शायद पहली बार देखा होगा या आपको अट्रैक्ट करेंगी अपनी वीडियो को दिखाने के लिए। यहाँ पे होता क्या है, क्यों लोग इनकी वीडियो को देखते हैं, तो हम बात कर लेते हैं इनकी जो वीडियो है वो क्यों चलती है, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा अभी के टाइम यहाँ पे वायरल हो रही है। यहाँ पे इनकी वीडियो का वायरल होने का कारण इनका थंबनेल टाइटल और स्टोरी है। यहाँ पे ये क्या कर रही हैं कि ऐसा स्टोरी अभी के टाइम कोई बना नहीं रहा है, और इसमें एक यूनिक चीज़ ये है कि ऐसा जो कंटेंट है ये सेहत से रिलेटेड बनाती हैं, लोगों को स्वस्थ होने का ज्ञान या ऐसी क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए जिससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ें से आपको ये नुकसान हो सकता है, क्या खाने से आपको नुकसान हो सकता है, क्या आपको नहीं खाना चाहिए इस टाइम। अगर आप इस तरह का जो कंटेंट है बनाते हैं तो आप लोगों को ये अट्रैक्ट करती हैं। जब ऐसा कुछ आप लिखते हैं थंबनेल और टाइटल, ऐसी कोई स्टोरी बनाते हैं, ऐसी कोई जानकारी आप देते हैं जिससे लोगों को खाने से नुकसान हो सकता है, तो वो लोग ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दही खाने का सही समय और तरीका, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी के नीचे यहाँ पे ये लिखा गया है दही को रात के समय नहीं खाना चाहिए। जब लोग ऐसी चीज़ें देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि क्यों नहीं खाना चाहिए, उनके मन में क्वेश्चन होगा। थंबनेल और टाइटल से ही व्यूज आता है, और कोई भी तरीका आप लगा लीजिए, अगर थंबनेल टाइटल और आपका वीडियो सही है तो आपकी हर वीडियो चलने वाली है, और कुछ लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसी को देखकर, इसी को सुनकर लोग आपकी वीडियो को देखते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप अगर आप इनके जैसा कुछ कर सकते हैं, कुछ नया भी कर सकते हैं, तो उसको भी ट्राई करिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसा ट्राई करिए जिससे लोग आप अपने थंबनेल के ऊपर क्लिक करा सकें, वीडियो को दिखा सकें, अच्छी जानकारी दे सकें। जब आपकी अच्छी जानकारी होगी तो आपकी वीडियो लोग बार बार देखेंगे। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, अच्छी जानकारी के साथ साथ थंबनेल और टाइटल पर ध्यान देना है जिससे आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे, आप कितनी भी अच्छी वीडियो बना ले, टाइटल थंबनेल वीडियो तीनों इंपॉर्टेंट है, अगर तीनों नहीं सही करेंगे तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। और बहुत सारे लोग यही गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनका चैनल नहीं चल रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझकर चलना होगा और आपका चैनल जल्दी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।